नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैक मिनी और मैक ओएस वेंचुरा में 13.5 का स्टेबल वर्जन पब्लिक के लिए रोल आउट कर दिया गया है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ नया है और हम अपने मैक मिनी के स्क्रीन पर चलते हैं। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे अपडेट पर और चेक करते हैं कि ये कितने MB का और कितने GB का आया है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में जाते हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपडेट आ चुका है। यहाँ से अपडेट से रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है और यहाँ आप साफ साफ देख रहे हैं कि मैक ओएस वेंचुरा 13.5 का अपडेट अवेलेबल है। और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आप मोर इन्फो पर क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ से आपको बताया जा रहा है कि 1.5 GB का यहाँ शो कर रहा है अपडेट, इतने का मिलेगा आपको और रीस्टार्ट रिक्वायर्ड है। और दिस अपडेट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट बग्स फिक्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स एंड रिकमेंडेड फॉर ऑल यूजर। तो सारे यूजर्स के लिए ये रिकमेंड कर रहा है। तो अगर आप डिटेल और चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करके इसके बारे में और जानते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और क्या कुछ नया इस अपडेट के थ्रू एप्पल के तरफ से प्रोवाइड किया गया है। तो यहां से ये सारे इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके साथ ही साथ अगर नीचे आप कीजिएगा तो और जो जो सिस्टम में क्या क्या अपडेट किया गया है वो सारा कुछ बताएगा। सफारी है, iOS 16.6 है, iPad OS 16.6 है, तो ये सब के साथ भी आपको अपडेट। तो चलिए मैक ओएस वेंचुरा पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं कि इसमें क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको कुछ कुछ जो चेंजेस इसमें है उसके बारे में डिटेल बताया गया है। दोस्तों, यहाँ लॉगिन करके अपडेट से रिगार्डिंग जो जो कुछ बग फिक्सेस किया गया है, किस किस चीज़ में, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल प्रोवाइड किया जा रहा है मैक ओएस वेंचुरा 13.5 में। जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के डिटेल देख भी सकते हैं या इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। और जो जो कुछ है उस उन सारे चीज़ों में, जैसे एप्पल मोबाइल फाइल इंटेग्रिटी में भी है कुछ जो बग फिक्सेस नोटिस किया गया था, एड्रेस किया गया था उसको भी फिक्स कर दिया गया है। ऐप सैंड बॉक्स में भी है, एसेट्स में भी है, कॉल्स में भी है। तो इस तरह जो जो भी और सारे चीज़ों में छोटे छोटे जो बग फिक्सेस किया गया है और इम्प्रूवमेंट किया गया है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ से आपको डिटेल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अब सीधे चलते हैं इस अपडेट पर कि अपडेट करने के बाद क्या कुछ स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसको देख लेते हैं। और इस तरह से और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से जा करके चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गवाए हुए अब अपडेट करते हैं इसको और यहाँ से इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करते हैं। उसके बाद एग्री कीजिए, उसके बाद पासवर्ड आप अपना फिल कीजिए जो भी आपके सिस्टम का से रिगार्डिंग है। उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद आपको शुरू हो जाएगा ये प्रोसेस। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि डाउनलोडिंग शुरू हो गया है और अब देख लेते हैं कि डाउनलोडिंग के बाद की क्या स्थिति। और जब से आप डाउनलोड शुरू कीजिएगा तो यहाँ पर आपको 2.71 GB का ओवरऑल आपको स्पेस दिखाई देगा, यानी कि इतना नेट आपको खर्च करने पड़ेंगे अगर आप इस पार्टिकुलर अपडेट को अपडेट कर रहे हैं। इन तमाम प्रोसेस से गुजरने के बाद हमारा मैक ओएस 13.5 का जो वेंचुरा का वर्जन है अपडेट हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब चलते हैं कि सारे जो मेरे ऐप्स हैं और सब कुछ कैसे काम करते हैं। सिक्योरिटी बग्स तो फिक्स हो ही गए हैं, जो भी कुछ भी था जो मैं अभी वीडियो में दिखाया था। उसके बाद सारे जो ऐप्स वगैरह इनका परफॉर्मेंस वगैरह ठीक चल रहा है, जैसे पहले चल रहा था। ऐप ओपन और क्लोज का जो टाइमिंग थी वो बिल्कुल सेम है, ऐसा कुछ दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा है, वो जैसा था वैसा ही, क्योंकि लैग्स वगैरह जो था उसको और दूर कर दिया गया है। तो इस तरह से मैं ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, जैसा था वैसा ही है। तो इसमें ऐसा कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा कि अपडेट करने के बाद कुछ प्रॉब्लम आया है। तो आप कर सकते हैं, अगर यहाँ कंट्रोल सेंटर में चेक किया जाते हैं, ऐसे ऑप्टिमाइजिंग भी अभी कर ही रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली अपडेट किए थे। तो यहाँ से और बाकी नोटिफिकेशन को हटाने के बाद यहाँ से स्मूथनेस वगैरह आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि कितना स्मूथ सारा कुछ वर्क कर रहा है। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं देखने को मिल रहा, जैसा पहले था वैसा ही है, बस कुछ बग्स को फिक्स कर दिया गया। और इस अपडेट में ऐसा कुछ नए फीचर्स को नहीं ऐड किए गए हैं। तो आप आगे चल करके देखते हैं कि कुछ वॉलपेपर वगैरह सेक्शन में चेंज किया गया है कि नहीं। तो यहाँ से जनरल वगैरह में देख सकते हैं। अगर स्टोरेज की बात कर लिया जाए तो स्टोरेज में कुछ सुधार हुआ है, पहले कुछ ज़्यादा मेरा था, अब अपडेट के बाद बहुत सारे जो स्पेस था आप जैसा कि देखे कि इसको इम्प्रूव कर दिया गया है, कम गया है लगभग 10 GB का। तो ये सारा कुछ ऐसा चलते रहता है क्योंकि इसमें 10 GB 12 GB का ऐसा कुछ इशू नहीं है। सारा कुछ देख रहे हैं कि एप्लीकेशन वगैरह सेटिंग में भी बिल्कुल फ्लॉलेसली वर्क कर रहा है, तो ऐसा कुछ दिक्कत देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब वॉलपेपर को देख लेते हैं कि क्या कुछ नया देखने को मिला है या पहले ही वाला सारा कुछ चिपकाया हुआ। तो इस पार्टिकुलर अपडेट में मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई नया वॉलपेपर को ऐड किया गया है, जो पहले था
वैसा ही है और स्क्रीन सेवर में भी कुछ ऐसे ही कहानी है और बाकी जो सॉलिड कलर में भी है आप जैसा कि देख रहे हैं ऐसा कुछ नया कलर्स को भी ऐड नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थी कहानी इस पर्टिकुलर अपडेट मैक ओएस वेंचुरा 13.5 का स्टेबल वर्जन जो आप भी अपडेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।